हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गोल्ड के जो फ्यूचर्स है उसको। हम यहाँ पर जो है वीकली ओवरव्यू एनालिसिस कर बताएंगे कि यहाँ पर हम गोल्ड किस तरह से ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, और यहाँ पर हम किस तरह प्राइस मोमेंटम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस मोमेंटम जो है वॉलिटिलिटी है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमें तेज़ी देखने मिलेगी या फिर डाउनवर्ड प्रेशर देखने मिलेगा गोल्ड के फ्यूचर्स के अंदर। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर अगर हम डेली बेसिस के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा खासा जो है ट्रेंड फॉलोअप होते देखने मिला है। आफ्टर दैट करेक्शन और करेक्शन के बाद फिर से तेज़ी देखने को मिली है। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से जो है रिएक्ट कर रही है, बिकॉज अपसाइड के अंदर एक अच्छा खासा जो है रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है। दैट इज़ एट द प्राइस ऑफ इट अराउंड 52,600 के आसपास जो है बहुत ही बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल है। अबोव दैट प्राइस लेवल अगर यहाँ पर कैंडल जाती है, मूव करती है, तो बहुत ही अच्छी खासी जो है यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है गोल्ड के फ्यूचर्स के अंदर। हालांकि अगर यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस भी यहाँ पर आप देखना चाहो तो लेट्स सी कि आप स्टॉप लॉस यहाँ पर जो है ट्रेड के अंदर क्या रख सकते हो। तो यहाँ पर मेरा पर्सनल अगर हम यहाँ पर देखते जाए तो 52,390 के आसपास जो है यहाँ पर आप चाहो तो अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हो। दिस इज़ वॉट आई थिंक कि यहाँ पर हमें करना चाहिए, बट फॉर अ टाइम बिंग अगर यहाँ पर अगर हम लास्ट की 2 कैंडल देखे तो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। एंड आफ्टर दैट थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर मंडे को दैट इज जो नेक्स्ट वीक के अंदर जिस तरह से ट्रेंड होता है वो किस तरह से फॉलोअप होते हुए देखने को मिलता है। हालांकि अगर यहाँ पर 52 एक अच्छी अच्छी अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हो जाती है तो बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर हमारी ट्रेडिंग करने के लिए भी रहेगा। एज वेल एज अगर यहाँ पर 52,600 के ऊपर क्लोज हो भी जाती है कैंडल तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है यहाँ पर हमें डेफिनेटली अपसाइड के अंदर नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड के फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिल सकता है। यू कैन ट्रेड दिस कॉन्सेप्ट डेट इज गोल्ड फ्यूचर्स के अंदर जिस तरह ट्रेड चल रहा है विद स्टॉप लॉस ऑफ 52,390 और जो टारगेट है वो आप यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर जो है गेन कर सकते हो। दिस इज़ अ पर्सनल ओपिनियन, जिसको लेना हो या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से भी जिसको ट्रैक करना है तो वो भी जो है कर सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माई चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।